अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द बीआरएस फिजियोलॉजी। पेज नंबर है 199 और हम सब पढ़ रहे हैं जीआई हार्मोन्स को। तो अब हम यहाँ पे बड़े इजी से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो के पास पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। ओके, पेज नंबर 199 और हम लोग अब पढ़ेंगे जीआईपी के बारे में। और मेरे दिमाग में पहला आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेप्टाइड। नो, जीआईपी इज़ नॉट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेप्टाइड, इट इज़ ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है और इंसुलिन की सिक्रीशंस बढ़ाता या कम करता है। एंड इट सेल्फ इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 42 अमाइनो एसिड्स। इट इज़ वेरी होमोलोगस टू सिक्रीटिन एंड ग्लूकागॉन। सो इसके एक्शंस क्या हैं? इट स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज। ओके, इंसुलिन को रिलीज़ कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओरल ग्लूकोज। अच्छा, जीआईपी जो है वो इंसुलिन का रिलीज़ करवाता है, लेकिन ओरल ग्लूकोज इज़ मोर पोटेंशिएटिव देन द इंट्रावीनस ग्लूकोज। ओके, यानी कि हम जितना भी ओरली ग्लूकोज ले रहे होते हैं, मुंह से कुछ मीठा खा रहे होते हैं जो हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, इट विल कॉज इंक्रीज रिलीज ऑफ जीआईपी रेदर देन द आईवी ग्लूकोज जो हम डेक्सट्रोज लगा रहे हैं। ओके, इट ऑल्सो इनहिबिट द हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, क्योंकि ये होमोलोगस है ना सिक्रीटिन के, तो सिक्रीटिन की तो बहुत ख़ास दुश्मनी है स्टमक के साथ, वो स्टमक को जाके शट डाउन कराएगा। तो जीआईपी होमोलोगस है सिक्रीटिन का, तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट कराएगा हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को बाय गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। रिलीज कब होता है? पहली चीज़, जीआईपी सिक्रीटेड बाय द ड्यूडेनम एंड जुजेनम। जीआईपी इज़ द ओनली जीआई हार्मोन दैट इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, गैस्ट्रिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू प्रोटीन। ओके, कॉलीसिस्टकाइनिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड्स एक्सेप्ट द ट्राइसाइल ग्लिसराइल, ऑल लिपिड रिलीज द कॉलीसिस्टकाइनिन। सिक्रीटिन इज रिस्पॉन्सेज टू हाइड्रोजन आयन इन द ल्यूमेन ऑफ द ड्यूडेनम एंड फैटी एसिड टू। तो ये सारे बड़े सेलेक्टिव लोग हैं, लेकिन जीआईपी की एक अच्छी बात यह कि इसको किसी से भी दुश्मनी नहीं है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका अमाइनो एसिड हो, चाहे वो आपका फैट हो, चाहे वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग विल इंक्रीज द जीआईपी। ओके, और ओरली एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज, यानी कि कुछ भी हम मुंह से खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके जीआईपी को बढ़ा देगा। और जीआईपी जब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, जैसे भी मील ले लें, चाहे हम बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, अंडा खाएं, ठीक है, या हम कुछ भी इनटेक ले रहे हैं, तो जीआईपी इंसुलिन को रिलीज़ करवा देगा। तो होपफुली आपको याद हो गया और समझ में आ गया हो। देन मूव करते हैं कैंडिडेट्स हार्मोन की तरफ। कैंडिडेट हार्मोन कुछ छोटे छोटे हार्मोन हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पास पेपर में आते हैं और हम फिर सोचते हैं हमने पढ़े ही नहीं थे। मोटिलिन क्या करवाता है? नाम से जाहिर है मोटिलिटी को बढ़ाएगा, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है एंड इज़ इन्वॉल्व इन इंटर डाइजेस्टिव माइलो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये माइंटेरिक प्लेक्सेस के साथ मिलकर जीआई की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। दूसरा, ये पेंक्रियाटिक पेप्टाइड जो है एक हार्मोन है, ये इनहिबिट करता है पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को। शुक्र कोई पेंक्रियाज को भी चुप करवाने वाला आया, तो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट द पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस। देन GLP-1, ठीक है, GLP ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागॉन क्या करेगा भाई? ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन रिलीज करवाएगा और इंसुलिन की मदद से क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा सारे ग्लूकोज को। तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है, तो ये भी इंसुलिन को इंक्रीज करा देगा, इंसुलिन सिक्रीशंस को बढ़ा देगा फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। दैट इज़ वाई वी यूज़ द GLP-1 एनालॉग इन द ट्रीटमेंट ऑफ Type 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, जिसको हम लीरा ग्लूटाडाइट के नाम से आते हैं, इंसुलिन का एक ब्रांड है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो GLP-1 एनालॉग आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ Type 2 डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ 3 स्टार बनाने का मकसद यही है कि आपको याद रहे। अच्छा, उसके बाद है 2 हार्मोन, लेप्टिन और ग्रेलिन। G4 गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक तब इंक्रीज़ होता है जब बहुत ज़्यादा एपिटाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना आ गया, तो ग्रेलिन क्या करता है, एपिटाइट को बढ़ा देगा। और लेप्टिन बहुत ज़्यादा फैटी हो गया, बहुत ज़्यादा लिपिड आ गया, अब क्या होगा, एपिटाइट डिक्रीज़ होगी। तो लेप्टिन डिक्रीज इज़ द एपिटाइट एंड ग्रेलिन इंक्रीज द एपिटाइट। सो हाथ रखें अपना बुक के ऊपर और रिकॉल करें, GIP
GIP stand for not gastrointestinal peptide. It stand for glucose dependent insulinotropic peptide. Okay, glucose dependent. Orally glucose जाएगा तो GIP बढ़ेगा और GIP insulin के secretion को बढ़ाएगा. ये analog है हमारे पास किसका, secretin और glucagon का analog है. जिस वजह से glucagon की तो जाती दुश्मनी है hydrogen ion की secretion के साथ, तो वो इसको inhibit कर देगा secretin की के जैसा काम करके. अच्छा, और ये neutral है, ये protein को और फैट को और कार्बोहाइड्रेट को हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उनके रिस्पांस में रिलीज होगा. देन मोर्टेलिन जीआई की मोर्टेलिटी को इंक्रीज करेगा. पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट करेगा पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को. GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, हैंस यूज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. लेप्टिन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एपेटाइट को. L4-leptin में बहुत मोटी हो गई, बहुत लिपिड है भाई, तो डिक्रीज कर देगा एपेटाइट को. और ग्रेलिन इंक्रीज करेगा एपेटाइट को. देन अब हमारे पास बी पोर्शन पे आ जाते हैं पैराक्राइन हार्मोन्स. पैराक्राइन हार्मोन्स क्या करते हैं, इनको हम पैराक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करीबी कहीं शॉर्ट डिस्टेंस से रिलीज होते हैं और आके अपने डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में और फिर टारगेट सेल पर आकर इफेक्ट कर देते हैं. ओके, दे आर रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल इन द GI mucosa, डिफ्यूज ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस टू एक्ट ऑन द टारगेट सेल लोकेटेड इन द GI ट्रैक. पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं somatostatin और हिस्टामिन. हिस्टामिन के बारे में सब पढ़ चुके हैं, मास सेल से रिलीज होता है और इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को डायरेक्टली बाय पोटेंशिएटिंग द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिन एंड वेगल स्टिमुलेशन. बहुत आसान है, सबको हिस्टामिन का इफेक्ट शुरू से पता है कि मास सेल से रिलीज होता है और हिस्टामिन जो है हमारे पास वो एच आयन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है. इस वजह से ये गैस्ट्रिन के इफेक्ट को भी बढ़ाता है बाय वेगल स्टिमुलेशन एंड वेगल स्टिमुलेशन. सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन के ऊपर ये जो मैंने ब्लॉकर का टैग लगाया है, इसका मकसद ये है कि ये सारे GI हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है. इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ ऑल GI हार्मोन, इट इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन, इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इट डिक्रीजेज द मोर्टिलिटी ऑफ द गैस्ट्रिन योर स्टामक एंड डिक्रीजेज द पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, डिक्रीजेज द GI सिक्रीशंस. सो सोमैटोस्टैटिन इज अ ब्लॉकर. ओके, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस अंडर द स्टिमुलस ऑफ हाइपोथैलेमस फ्रॉम द डी सेल ऑफ पैंक्रियाज स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टीन. सो ये थ्रू आउट द GIT से, चाहे स्टमक हो पैंक्रियाज हो स्मॉल इंटेस्टीन हो, ये रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइड्रोजन आयन इन द ल्यूमन. तो सोमैटोस्टैटिन हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में रिलीज होकर सब कुछ ब्लॉक करा देगा और इनहिबिट होगा वेगल स्टिमुलेशन से, जबकि हिस्टामिन इसका उल्टा है, वो मास सेल से रिलीज होगा, इंक्रीज कराएगा हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन को और इंक्रीज कराएगा वेगल स्टिमुलेशन और गैस्ट्रिन को. तो बहुत सारे छोटे छोटे BCQs इस टॉपिक से निकले हैं और आपके पेपर में आने वाले हैं, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है. तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड रफ़ीउल्लाह में पास पेपर्स में नहीं है क्वेश्चंस, बट लेप्टिन ग्रेलिन बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले हार्मोन हैं. इसके अलावा हिस्टामिन का क्वेश्चन बहुत आता है, हिस्टामिन मल्टीपल टॉपिक्स में है तो इसलिए वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है. सोमैटोस्टैटिन इज़ अ ब्लॉकर, इसका भी क्वेश्चन आता है. तो अगर कहीं पर भी मुझसे बोलने में करने में कोई मिस्टेक हुई है, काइंडली आप उसे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिए. अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड BCQs पता हैं या आपको याद हैं, आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर अपने BCQs को मेंशन कर दीजिए. और अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो मेंशन करें ताकि उसे करेक्ट किया जा सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है तो प्लीज़ अवॉइड द एकेडमिक कॉन्स्टिपेशन और मेरी वीडियोज़ को जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ. थैंक यू सो मच.